विश्वास में लेकर धोखाधड़ी करके ठगी करने के 5 अभियुक्त गण को थाना कटघर पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 64,000 रुपए नगद व फर्जी 9 आधार कार्ड, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि दिनांक 8/5/2024 को वीरेंद्र उर्फ सोनू पुत्र इतवारी लाल निवासी मोहल्ला रामकृष्ण कॉलोनी अम्बाला सदर हरियाणा ने अभियुक्त गण द्वारा धोखाधड़ी कर वादी से 4,50,000 रुपए हड़प लेने के संबंध में थाना कटघर पर तहरीर देकर मामला पंजीकृत कराया गया, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसका खुलासा एसपी सिटी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। ये थाना कटघर पुलिस को सीओ कटघर के नेतृत्व में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है और एक अंतर्राज्यीय गैंग जो काफ़ी बड़े एरिया में घूम घूम के ऑपरेट कर रहा था, जो लोगों को संग धोखाधड़ी करके और लोगों से ठगी करता था और उनसे पैसे ये लोग ले जाते थे। ये 8 मई को सुबह दिन में लगभग 10-11 बजे के आसपास रामगढ़ का पुल पर, जो कटघर थाना क्षेत्र में है, वहाँ पर एक घटना हुई थी। एक हरियाणा के एक व्यक्ति थे जिनका वीरेंद्र सोनू, ये बैंड का कारोबार करते हैं। जब ये वहाँ अपने दुकान पर अपने हरियाणा में बैठे हुए थे अम्बाला में, तो एक लड़की वहाँ से जो कुछ रुद्राक्ष बेचते हुए निकल रही थी, वो उसने इनसे कहा आप रुद्राक्ष ले दीजिए, तो वहाँ इसकी उस लड़की से बात होने से हुई, उसने अपना नाम पूजा बताया इनको और ये भी बताया कि मेरे फादर भी बैंड का काम करते हैं। ये उनसे वहाँ उनका विजिटिंग कार्ड अपने साथ में ले आई थी। कुछ दिन बाद वापस यहाँ आने के बाद इसने उस व्यक्ति को जो बैंड के मालिक थे हरियाणा के, उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि मेरे पापा का बैंड का काम बंद हो गया है, उनका जो सामान है वो हम लोग बेचना चाहते हैं, तो आप चाहें तो सामान को आप यहाँ से आके ले लीजिए। इसी क्रम में ये लोग वहाँ से बैंड का सामान खरीदने के लिए मुरादाबाद आए थे। ये लोग रात में यहाँ एक होटल में आके रुके, सुबह इन्होंने उस लड़की से बात की, उसने इनको बताया कि आप रामगंगा पुल पर आ जाइए, वहाँ पहली बारी नहीं मिली, फिर दोबारा उसने कहा कि पुल के नीचे आ जाइए, मैं यहाँ पर कोई जानवर चरा रही हूँ। इस तरह से वो काफ़ी इंटीमेटली इनसे बात करती रही वो, और जब वो ये लोग अपने पैसों के साथ में उसको पुल के नीचे भेजे, तो उन्होंने बातों में उनको ले गुमराह करते हुए उनसे पैसे ले लिए और वहाँ से ये लोग फरार हो गए। इस पर तत्काल हमारी पुलिस सक्रिय हुई और जो भी उनकी कॉल डिटेल्स थी और अभी जो भी डिटेल्स थी उसको देख के हमारी एसओजी टीम और थाने की टीम दोनों ने इसमें सम्मिलित रूप से काम किया और इसमें फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये खास बात यह है इसमें कि ये गैंग मध्य प्रदेश का है, जो ये लोग जगह जगह अपने डेरे डाल के रहते हैं और इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के उससे ठगी किया करते हैं। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त जो महिला थी, जो पूजा नाम लेके अपना अपने को इंट्रोड्यूस करती थी, उसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। ये अन्य लोग हैं उनके पास से भी फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। और जो महिला है उसका असली नाम जगीसना पत्नी अलसे बहेलिया है और ये ग्राम हरदुआ थाना रीठी जिला कटनी की रहने वाली है। इनके अन्य सदस्य भी, इसका जो पति है वो भी इसमें इनके साथ में था और 3 अन्य लोग राकेश पारधी, मंजूस पारधी और इंडियन पुत्र रामफूल, ये भी रीठी थाना रीठी जनपद कटनी के रहने वाले हैं। यहाँ पास में ही एक जनपद में ये लोग अपने डेरे डाल के रह रहे थे, हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। और इनके पास से उस दिन जो घटना हुई थी उसमें जो पैसे लगभग 1,00,000 के आसपास पैसे ले जाना बताया जा रहा है, उसमें से लगभग 64,000 रुपये इनसे बरामद हुए हैं, 9 आधार कार्ड इनके कब्जे से मिले हैं, 2 मोबाइल फ़ोन हैं जिनका ये लोग घटना में इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण ही अति महत्वपूर्ण सफलता है, क्योंकि इनके द्वारा निरंतर तमाम लोगों से ठगी की गई होगी। अभी हम लोग और भी गहराई से इनसे पूछताछ कर रहे हैं, इनकी पिछली सारी कॉल डिटेल्स, इनका जो भी मूवमेंट है वो सब कुछ ट्रैक किया जा रहा है और तमाम जो और जगह भी मुकदमे लिखे गए होंगे इस प्रकार के, उनको भी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस पर एक हम लोग प्रभावी कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में इस तरह की और कोई आपराधिक गतिविधि न हो पाए। सर, पूर्व में भी मुरादाबाद में इस तरह की घटना इनके द्वारा कुछ बताई गई है, की गई थी? अभी इनके द्वारा इसी घटना के बारे में बताया गया है और अभी हम लोग और भी डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं, अलग जरूरत पड़ेगी तो हम लोग PCR पे लेके भी